Welcome back to my YouTube channel Online Academy. So today we will study about bamboo plant, its economic importance and what is the morphology of that plant. So let's get started. So I divided economic importance into 5 or 4 parts. So each part के according हम उसको easily learn कर लेंगे और मैंने basic points लेके दिया है ताकि आपको उसको learn करने में easy रहे. इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस में मैंने इसको 5 पार्ट्स में डिवाइड किया. होम में क्या यूज़ आते हैं बैम्बू के, बैम्बू प्लांट के, फूड में, फैक्ट्रीज़ में, फार्मर्स में एंड अदर यूजेस. सो सबसे पहले हम पढ़ेंगे होम यूजेस ऑफ बैम्बू. इट इज़ यूज्ड इन मेकिंग फर्नीचर, वुडन फ्लोर, वुडन रूफ, वुडन टॉयज, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स, टेबल एंड चेयर्स, लेडर, टूल हैंडल्स, कुकिंग वेसल्स, पाइप्स, पोल्स एंड प्लैंक्स ऑफ वॉल. सो इस तरह से आप दोस्तों अगर आप अपने आसपास की सराउंडिंग में देखो जो वुडन का बना होता है तो आप उन चीज़ों को लिख सकते हो. जैसे फर्नीचर होता है, काफ़ी सारा फर्नीचर, ये बैम्बू का फर्नीचर आपको दिख रहा होगा, कैसे ये मैंने साइड में इमेजेस लगाए हैं तो आप देख सकते हो ये बैम्बू के फर्नीचर हैं. काफ़ी कॉस्टली सेल होते हैं और काफ़ी सॉलिड होते हैं क्योंकि बैम्बू काफ़ी सॉलिड वुड होती है. वुडन फ्लोर होता है इसका, वुडन रूफ भी होती है, वुडन टॉयज होते हैं वो आपने देखे होंगे. अब हमारे यहाँ पे इतने बेसिकली यूज़ नहीं होते बट हाँ वुडन टॉयज काफ़ी सारे होते हैं. म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं, टेबल चेयर्स होती हैं, हेयर्स चेयर एंड ऑल्सो देयर आर टेबल्स ऑल्सो, लेडर, टूल्स हैंडल्स. टूल्स जो होते हैं बेसिकली कोई भी टूल तो उनके ऊपर के जो हैंडल्स होते हैं वो वुडन के बने होते हैं ताकि उसमें करंट पास आउट ना हो इंसुलेशन के लिए. लेडर होती है, कुकिंग वेसल्स होते हैं, पाइप्स होती है, पोल्स होते हैं एंड प्लैंक्स ऑफ वॉल. ओके सो नेक्स्ट इज पार्ट्स ऑफ द बैम्बू यूज एज ए फूड. फूड इज़ यूज, फूड ऑफ द बैम्बू हैव वेरी हाई स्टार्च कंटेंट. जो फूड होता है ये रहा प्लांट का फ्रूट, तो इसमें क्या होता है वेरी हाई स्टार्च कंटेंट, स्टार्च कंटेंट काफ़ी हाई होता है. टेंडर यंग शूट्स आर कुक्स एज ए वेजिटेबल. जो शूट्स होती हैं इसकी वो यूज होती हैं एज ए वेजिटेबल. काफ़ी सारे एरिया में वेजिटेबल्स के रूप में उसको खाया जाता है. फ्लैशी फ्रूट ऑफ मेलकोलाना बैम्बू कोइड्स ईटन एज बॉइल्ड वेजिटेबल. तो ये जो है फ्लैशी फ्रूट इसको हम बॉइल्ड वेजिटेबल की तरह काफ़ी पार्ट्स में खाया जाता है. ओके तो नेक्स्ट है बैम्बू यूज इन फैक्ट्रीज. फैक्ट्रीज़ में कैसे यूज़ होता है, सबसे पहले मैन्युफैक्चरिंग ऑफ पेपर. पेपर के मैन्युफैक्चरिंग में बैम्बू यूज़ होता है. गत्ते बनाने, आपने देखा होगा कि गत्तों के आगे जो हार्ड पार्ट होता है वो वुडन का ही बना होता है और वो वुड जो का जो पार्ट होता है वो बैम्बू का होता है. यूज इन मेकिंग फिशिंग रोड्स, फिशिंग रोड्स बनाने में हेल्प करता है. यूज इन मेकिंग स्टिक्स ऑफ ओल्ड एज पीपल, ओल्ड एज पीपल की जो स्टिक्स होती है उनको स्टिक्स एंड चॉप, फैन स्टिक्स एंड चॉप स्टिक्स बनाने का काम आता है. कौन सा बैम्बू होता है वो फ्लैट बैम्बू. ओके मेकिंग मैट्स, रग्स, कंटेनर्स एक्सेट्रा, ये सब बनाने के लिए बैम्बू फैक्ट्रीज में काम आता है. ओके तो मेन्स का यूज़ क्या था कि बेसिकली ये पेपर बनाने के काम आता है. नेक्स्ट इज फार्मर्स यूज बैम्बू, फार्मर्स यूज ऑफ बैम्बू प्लांट. फार्मर्स किस लिए यूज़ करते हैं, बेसिकली लीव्स जो होती है बैम्बू की वो यूज़ करते हैं एक्सेलेंट कैटल फीडर. वो बेसिकली किस लिए होती है, जो गाय वगैरह होते हैं उनको चारा खिलाने के लिए लीव्स को बेसिकली यूज़ किया जाता है और काफ़ी अच्छा कैटल फोडर है. ओके अदर यूजेज आर, बैम्बू आर प्रोबेबली द फास्टेस्ट एंड हाइएस्ट यील्डिंग रिन्यूएबल नेचुरल रिसोर्स. काफ़ी फास्टेस्ट एंड हाइएस्ट यील्डिंग, काफ़ी हाई यील्डिंग होती है इसकी और ये नेचुरल रिसोर्स है. पीपल ऑफ द साउथ ईस्ट एशिया आर सो डिपेंडेंट ऑन द बैम्बू सो इट इज़ हार्ड टू थिंक देयर लाइफ विदाउट इट. कहते हैं कि जो बैम्बू होता है इस जो साउथ ईस्ट एशिया के पीपल होते हैं वो बेसिकली इसके ऊपर काफ़ी ज़्यादा डिपेंडेंट है, उनकी लाइफ इसके बिना थिंक भी नहीं की जाती. ओके तो नेक्स्ट है मॉर्फोलॉजी ऑफ बैम्बू प्लांट. इसका बैम्बू का बोटैनिकल नेम होता है बैम्बूसा अरुडिनेसिया. फैमिली होती है ग्रैमिनेसी एंड पार्ट बेसिकली यूज होता है मेनली वुड एंड सम टाइम पल्प एंड ऑल्सो फ्रूट ऑफ बैम्बू. ओके ये एक बैम्बू प्लांट की इमेज है. तो नेक्स्ट है बैम्बू कैन ग्रो इन ए वैरायटी ऑफ हैबिटेट. काफ़ी सारी वैरायटी में ग्रो होता है. मोस्ट ऑफ देम आर वुडी, सम आर स्मॉल हार्वेशियस एंड अदर आर क्लाइंबर. कुछ स्मॉल हार्वेशियस होते हैं, कुछ क्लाइंबर्स होते हैं. सम आर कल्टिवेटेड इन गार्डन. कल्टिवेटेड होते हैं गार्डन में क्यों, क्योंकि इनका दिस इज़ आर द ब्यूटीफुल फोलिएज. इनको जब हम अपने गार्डन्स में ग्रो करते हैं बहुत प्यारे लगते हैं उगे हुए. जेंट बैम्बू डेट इज़ डेंट्रोकैलमस जेंटियस लार्जेस्ट बैम्बू है. इसकी हाइट बेसिकली 40 मीटर हाइट है. ये इंपॉर्टेंट है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से. इसकी सर्कमफ्रेंस जो 1 मीटर है और एक दिन में ये बेसिकली कितनी हाइट ग्रो करते हैं, 30 to 40 centimeters. 40 मीटर की हाइट होती है, टोटल हाइट होते हैं मीटर में एंड एक दिन की हाइट जो है 30-40 सेंटीमीटर होती है.
ड्यू टू दिस एस्टोनिशिंग ग्रोथ इज कंसिडर एज द फास्टेस्ट ग्रोइंग स्पीशीज़। इतनी फास्टेस्ट, इतनी अच्छी ग्रोथ होने की वजह से इसको फास्टेस्ट ग्रोइंग स्पीशीज़ बोला जाता है। नेक्स्ट इज दिस प्लांट्स हैव जॉइंटेड होलो वुडी इरेक्ट स्टेम। अब यहाँ पे भी हम बेसिकली इसको डिवाइड कर सकते हैं कि पहले हम इसके जनरल इंट्रो पढ़ा जिसमें क्या था कि बैम्बू की वेराइटीज़ कौन सी होती हैं और कैसी कैसी होती हैं और जो जेंट बैम्बू है वो कितनी हाइट का होता है, उसका नाम क्या है, उसकी सरकमफ्रेंस क्या है और एक दिन में कितना ग्रो करता है। ओके, उसके बाद हम उसमें डिवाइड करते हैं इसको स्टेम, फ्लावर, फ्रूट। तीन चीज़ें होती है बेसिकली, एक प्लांट में स्टेम होती है, फ्लावर होता है, फ्रूट होता है। इसके रूट्स, इसके बारे में नहीं बात करी इसमें। तो इनकी जो स्टेम है जॉइंटेड होती है, होलो होती है, वुडी होती है, इरेक्ट स्टेम है, ठीक है। टॉप ऑफ द प्लांट हैव लार्ज नंबर ऑफ हॉरिजॉन्टल ब्रांचेस। टॉप पे जो होता है वो लार्ज नंबर ऑफ हॉरिजॉन्टल ब्रांचेस निकली हुई होती हैं। फ्लावरिंग कैसे होते हैं, सम प्लांट ब्लूसम एवरी ईयर। कुछ प्लांट्स जो है हर साल ब्लूसमिंग करते हैं, हर साल मतलब फ्लावरिंग होती है उसके अंदर। कुछ जो होते हैं वो 12 से 42 साल के अंदर फ्लावरिंग करते हैं। आफ्टर डेट फ्लावरिंग दे गॉट डाइड, जैसे ही उनके अंदर फ्लावरिंग हो जाती है उसके बाद उनकी डेथ हो जाती है। फ्रूट जो है इसका, उसको बोलते हैं हम कैरियोप्सिस। इट इज़ कंटेन कंसिडरेबल अमाउंट ऑफ स्टार्च। इसके अंदर जो स्टार्च कंटेंट होता है वो काफ़ी ज़्यादा होता है। बैम्बू प्रोपेगेटेड थ्रू स्टेम, सीड, ऑफसेट, लेयरिंग, कटिंग। जो बैम्बू को उगाने के लिए हम कौन कौन से मेथड यूज़ करते हैं, स्टेम का, सीड को यूज़ कर लेते हैं, ऑफसेट्स, लेयरिंग एंड कटिंग्स का मेथड जो है इनको हम यूज़ करते हैं। ओके, सो दिस इज़ द प्लांटेशन। करने के बाद इनके चिप्स बनते हैं एंड दिस पल्प बनता है। इस पल्प को हम पेपर बनाने में यूज़ करते हैं, फाइबर होता है, यान बनता है एंड फैब्रिक बनता है। सो डेट्स इट फॉर टुडेज टॉपिक। इफ़ यू लाइक माय वीडियो प्लीज़ हिट द लाइक एंड सब्सक्राइब बटन। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।